मोदी का परिवार। जी हां, राजनीति के बाजार में मोदी जी की तरफ से नया शिगुफा छोड़ा गया है। मैं भी चौकीदार की अपार सफलता के बाद बीजेपी अब लाई है मैं भी मोदी का परिवार। सबको पता है कि अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने ब्रांडिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है और नारा दिया है मैं भी मोदी परिवार। दरअसल बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर जवाबी हमला करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष किया था। लालू ने सवालिया अंदाज में कहा था कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, उनका अपना परिवार क्यों नहीं है। लालू ने मोदी के हिंदू होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने पूछा कि अगर मोदी हिंदू हैं तो माता जी के देहावसान पर बाल क्यों नहीं मुंडवाए, और इसी पर बौखलाई हुई बीजेपी ने जवाब में मोदी का परिवार कैंपेन चला दिया। राजनीतिक माहौल 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बनाने की कोशिश की जा रही है। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर है कहा था, तो इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी मैं भी चौकीदार की मुहिम चलाई थी। अब उसी की तरह मोदी का परिवार मुहिम चलाई जा रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी एक्स प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार जोड़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक सब अपने बायो में लिख रहे हैं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री खुद भी अपनी सभाओं में इस पर बोल रहे हैं और पार्टी के नेता राजनीतिक मंच से मोदी का परिवार वाला नारा लगा रहे हैं। खबर है कि मोदी का परिवार थीम पर एक सॉन्ग भी तैयार किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी अब हर जगह मोदी का परिवार का नारा लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष भी इस बार आर पार के मूड में दिख रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार, मजदूर लाचार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। यहाँ असली परिवार से राहुल का मतलब था मोदी जी के बिजनेसमैन दोस्त। राहुल के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने मोदी का परिवार मुहिम पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर भी मोदी का असली परिवार हैशटैग के साथ मोदी के करीबी माने जाने वाले देश के बड़े पूंजीपतियों की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। मोदी के आलोचकों ने भी सोशल मीडिया पर कमर कस ली है। मोदी का परिवार पर कई तरह के मीम शेयर किए जा रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आम आदमी के मुद्दों को मोदी सरकार ने नकारा है, देश के अन्नदाता समेत अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरने वाले लोगों को नजरअंदाज किया गया है, उसे देखते हुए लोगों का गुस्सा जायज भी है। अब इस नए नारे का रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है। मोदी के परिवार पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।